आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है और पूरा विश्व महिलाओं का सम्मान स्वागत कर रही है। और इसीलिए आज जब मैं इंदौर आई हूँ तो प्रदेश की सभी महिलाओं को महिला दिन के शुभकामनाएं देती हूँ। पुणे में दीक्षांत समारोह के लिए मुझे जाना हुआ था और काफ़ी समय मैं वहाँ रही थी। जो गतिविधियाँ MIT के द्वारा हो रही है वो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही आभारदायक और प्रशंसनीय है मित्रों। और आज इंदौर में एक नए स्कूल की शुरुआत हो रही है और वो भी KG से शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है, और राहुल जी इसमें बहुत काम कर सकते हैं पिताजी के मार्गदर्शन में, शिशु मंदिर मतलब 3 साल की उम्र वाले बच्चे इधर आएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, खेलेंगे, संगीत सीखेंगे। पर मुझे लगता है यदि हमारे बच्चों को शारीरिक सशक्त बनाना है, बौद्धिक विकास करना है, सांवेगिक विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, आत्मविश्वास पैदा करना है, तो प्रेग्नेंट वुमन से शुरू करना पड़ेगा। जो हमारी शब्द क्या है, हमारी जो सोच है वो ये है भाई 3 साल तक तो बच्चे घर में रहेंगे और इसके बाद स्कूल में जाएंगे, तो जो कुछ पढ़ाना है वो स्कूल वाले करेंगे, हमारा तो कोई दायित्व है ही नहीं। और जो 9 महीना का जो पीरियड है, बच्चे जो गर्भ में पलते हैं उसका डेवलपमेंट होता है, उसी समय महिला का जो ध्यान रहना चाहिए, परिवार का ध्यान उस पर रहना चाहिए, और एक अच्छी तरह से 9 महीने तक अपने घर में, अपने परिवार में बेटी हो या बहू हो उसको अच्छा भोजन मिले, अच्छी कहानियाँ पढ़े, गीत संगीत करती रहे, कुछ अच्छी पढ़ाई करे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की बात की हम लोगों ने, ऐसे कई वरिष्ठ हमारे नेतृत्व किया है, ऐसे लोगों के बारे में जो पढ़ेगी, हमारी रामायण महाभारत पढ़े मित्रों, गीता पढ़े, तो एक प्रकार के संस्कार गर्भ में पले हुए बच्चों को होता है और वो सिद्ध हो चुका है मित्र। महाभारत सब लोगों ने पढ़ा है, अभिमन्यु के बारे में सबने पढ़ा है, किसने शिक्षा दी थी जब माता के पेट में वो पला था तब? अर्जुन ने शिक्षा दी, मामा ने शिक्षा दी कृष्ण ने, और एक 16 साल का बेटा महाभारत के युद्ध में कितने बड़े लोगों के सामने लड़ाई लड़ता है, ये ज्ञान कहाँ से आया?